करने का काम अगर कोई करेगा तो प्रधानमंत्री जी इस देश के किसानों को आप शुरू कीजिए और थैंक यू किसान के बारे धन्यवाद सबसे ज्यादा चिंतित और गंभीर सरकार है तो मोदी जी की धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय आपने मुझे क्रॉप लॉस इट्स वेरियस रीजंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर भाग लेने का अवसर प्रदान किया माननीय सभापति महोदय कृषि क्षेत्र में फसल की कटाई के पहले अनेक प्रकार के जोखिम होते हैं जिसमें सबसे बड़ा जोखिम होता है जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं का अत्यधिक बारिश हो जाना ओलावृष्टि हो जाना बाढ़ या सूखा मैं इस संबंध में आपको बताना चाहती हूं कि जून 2019 से लेकर नवंबर 2019 के बीच में डोंट इंटरप्ट आप बैठ जाइए प्लीज चर्चा हो रही एक भी कांग्रेस का कोई सांसद नहीं है देश देख रहा है Please sit down. पूरा देश देख रहा है किसको किसानों के प्रश्न में इंटरेस्ट है प्लीज सिट डाउन आप तो वरिष्ठ आप यू आर सीनियर मेंबर काइंडली सिट डाउन अनुप्रिया जी को कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी रिकॉर्ड में आप सिट डाउन आप अनुप्रिया जी अपनी बात करो माननीय सभापति महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने क्रॉप लॉस इट्स वेरियस रीजन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स की इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे भाग रहने देने का अवसर प्रदान किया कृषि क्षेत्र में फसल कटाई के पहले अनेक प्रकार के जोखिम होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा जिस जोखिम की हम बात करते हैं वो जलवायु परिवर्तन है और तमाम प्राकृतिक आपदाएं हैं अत्यधिक बारिश ओलावृष्टि बाढ़ या सूखा जून 2019 से नवंबर 2019 के बीच में उत्तर प्रदेश जो मेरा अपना राज्य है वहां पर बाढ़ और हाइड्रोमीट्रोलॉजिकल हैजर्ड के कारण 8.8 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र का नुकसान हुआ है और पूरे देश में अगर मैं बात करूं तो 63.9 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुआ है इसके अलावा अध्यक्ष महोदय कीटों का हमला या वन्य जीवों का हमला और आवारा पशुओं द्वारा जो फसलों का नुकसान होता है आवारा पशुओं द्वारा जब नुकसान होता है तो राज्य सरकारें उसका ख्याल रखती हैं लेकिन अन्य जो कारण मैंने बताए उसका ध्यान रखने के लिए हमारी सरकार ने नए स्वरूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ मौसम 2016-17 से लागू किया है और इसके साथ ही पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना भी शुरू की है इस बीमा योजना के संबंध में मैं कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूँ सबसे पहले तो हमारे आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में ये दर्शाया गया था कि अपनी फसलों का बीमा कराने वाले किसानों की संख्या बहुत कम है मुख्य रूप से जो गेहूं और धान की खेती करते हैं ऐसे किसान भी 5% से कम है जो फसलों का बीमा कराते हैं और इसका एक प्रमुख कारण है कि या तो किसानों को फसल बीमा के बारे में जानकारी नहीं है वो इस बात को नहीं समझते कि सरकार द्वारा ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और इसलिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2018 में स्कीम की ऑपरेशनल गाइडलाइंस को रिवाइज करते हुए इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी किया था कि हर मौसम में जो टोटल प्रीमियम उन्हें प्राप्त होता है उसका 0.5% वो पब्लिसिटी और अवेयरनेस के लिए खर्च करें मैं माननीय मंत्री जी से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि ये जो गाइडलाइन एक इंश्योरेंस कंपनीज को दी गई थी पब्लिसिटी और अवेयरनेस के लिए उसमें कहाँ तक उसका अनुपालन हो पाया है दूसरी बात सीएजी ने गौर किया था कि पिछली फसल बीमा योजनाओं में जो गैर कर्जदार किसान होते हैं उनका कवरेज काफी कम था और विभाग को गैर कर्जदार किसानों का कवरेज बढ़ाने की जरूरत है इसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनीज को कहा गया था कि पिछले मौसम की तुलना में 10% जो गैर कर्जदार किसान है जिन्होंने ऋण नहीं लिया होता है उनका कवरेज उन्हें बढ़ाना है तो इसमें कहां तक प्रगति हुई है ये भी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी एक ज्वलंत प्रश्न है तीसरी बात स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने 2017 में गौर किया था कि राज्य सरकारें फसलों के नुकसान का जब आकलन करती हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी एड्स को अडॉप्ट नहीं करती हैं सैटेलाइट इमेजरी का भी उपयोग नहीं करती हैं तो इसलिए
स्टैंडिंग कमेटी ने किसान कल्याण मंत्रालय से कहा था कि राज्य सरकारों से आग्रह करें कि ये सारे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एड्स हैं इनको अडॉप्ट करें, और इसके साथ ही जो फसल की कटाई के संबंधित परीक्षण होते हैं ये भी पूरी ईमानदारी से राज्यों के अंदर नहीं किए जाते हैं, जो एक महत्वपूर्ण विषय है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो बीमा के दावों का निपटारे का समय है वो कम होना चाहिए, 2 महीने में निपटारा होना चाहिए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने सुझाव भी दिया था कि लंबित दावों का जो निपटारा है उसके लिए, उसकी निगरानी के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सेटअप की जाए। तो कहां तक इन सारे सुझावों का अनुपालन हुआ है माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगी, और मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूं कि कृषि को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए आपने किसानों की आय को 2022 तक दुगना करने के लिए 7 सूत्रीय एजेंडा तैयार किया है, जिसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप, सॉइल हेल्थ कार्ड, भंडारण एवं कोल्ड स्टोरेज पर भारी निवेश, खाद्य प्रसंस्करण के लिए जरिए मूल्य संवर्धन, राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ साथ कृषि के साथ साथ डेयरी, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि को बढ़ावा देना, पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपए की आर्थिक मदद किसानों को देना, और पीएम किसान मानधन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए के एक पेंशन के लिए प्रावधान करना। सरकार ने ये सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन इसके साथ मैं एक महत्वपूर्ण कदम जिसके लिए सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारे देश के अंदर सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने वाले तक को ये अधिकार है कि अपने उत्पाद की कीमत स्वयं तय करे। सिर्फ इस देश के 130 करोड़ भारतीयों का पेट भरने वाले अन्नदाता किसान को ये अधिकार नहीं है कि अपनी उपज का दाम, उसकी कीमत वो स्वयं तय करे, और ये तभी संभव होगा जब भारत की सरकार एक ऐतिहासिक फैसला लेगी कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। और मैं सरकार से ये मांग करते हुए आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए पुनः